करते हैं खबर महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में खासतौर पर चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है और खासकर कल पर्चा दाखिल का अंतिम दिन है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे सहित कई दिग्गजों ने अपना नामांकन किया, लेकिन महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में कैसे और कब तक सीट बंटवारे पर बात बनेगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी ओम देशमुख हैं। ओम, अभी भी पेच फंसा हुआ है महायुति महाअघाड़ी दोनों में, वजह क्या है, बात फंस कहां पर रही है? स्वाति, निश्चित तौर पर जैसे आपने बताया कि नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन कल है, ऐसे में भी 24 घंटों पर यह मोहलत आने के बावजूद भी महाविकास आघाड़ी और महायुति में दोनों जगहों पे कुछ न कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कुछ जगह ऐसी है जो शिवसेना नहीं छोड़ना चाहती, कुछ जगहों पे भाजपा का दावा है, कुछ जगहों पे राष्ट्रवादी अपना जो क्लेम है वो हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही स्थिति कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ है। ज़्यादा तौर पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में जो विवाद है वो ज़्यादा तौर पर ज्यादा मायने में बाहर आकर उभर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। आज भी संजय राउत और नाना पटोले जो कांग्रेस और शिवसेना के नेता है, उन दोनों के बीच में माध्यमों के जरिए तूतू मैं हुई। हमारी अगर लिस्ट में कुछ टाइपिंग मिस्टेक होती है तो अगर कांग्रेस की लिस्ट में ऐसी टाइपिंग मिस्टेक होती है तो हमारी लिस्ट में भी ऐसी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कह के संजय राउत ने फिर एक बार कांग्रेस को इशारा किया है। तो इन सब चीजों की वजह से महाविकास आघाड़ी का जो सीट शेयरिंग का जो बात है वो अभी भी अटक गई है। दूसरी ओर महायुति की ओर से अगर हम देखें तो लोकसभा में की हुई गलतियों को सुधारने का प्रयास महायुति की वजह से किया जा रहा है और 288 में से 260 सीटों का अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है। कुछ मिनटों पहले बीजेपी की एक तीसरी लिस्ट भी आई जिसमें 25 उम्मीदवारों का समावेश था। अजीत पवार गुट की ओर से 49 और शिंदे सेना की तरफ से 65 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तकरीबन 146 भाजपा और ये सब चीजों को अगर हम ऐड करें तो 260 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुके हैं। अभी कुछ गिने चुने नामों पर, गिने चुने कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर यह सब विवाद अभी भी शुरू है। ये माना जा रहा है कि आज रात तक इसके ऊपर फैसला हो जाएगा और देर रात तक इसके बारे में ऑफिशियल जो लिस्ट है, ऑफिशियल जो फॉर्मूला है वो घोषित किया जाएगा, क्योंकि जैसे आपने पहले ही शुरुआत में बताया कि कल का जो दिन है वो नॉमिनेशन फाइलिंग का आखिरी दिन है। इस वजह से कल तक, आज या फिर प्रोबेबली आज रात तक ही सबका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो भी अड़चने हैं, जो भी कुछ वाद विवाद और संभावना है, उन सब पर आज रात तक मोहर लग जाएगी और सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला आज रात तय हो जाएगा और विधानसभा के 288 कैंडिडेट्स फिक्स हो जाएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। स्वाति, ओम एक बात बताइए कि कहा यह जा रहा है कि माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ महायुति अपना उम्मीदवार हटा सकती है, ऐसी कोई खबरें हैं? स्वाति, निश्चित तौर पर भाजपा की ओर से ये प्रयास जरूर किया जा रहा है कि अमित ठाकरे जो राज ठाकरे मनसे अध्यक्ष के बेटे हैं, उनकी पहली इलेक्शन है तो इसकी वजह से उनकी इलेक्शन में कोई बाधा ना आए, इसलिए भाजपा की ओर से प्रयास किया जा रहा है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि हमारे ही घर का बेटा है अमित, तो उसके लिए हमने प्रयास करने चाहिए। हमारा विरोध सदा सरवणकर को, जो शिवसेना के कैंडिडेट है, सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कैंडिडेट है, हमारा विरोध उनको नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन ज्यादा तौर पर अमित ठाकरे को है, तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे। मध्यस्थता करने की अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे और सर्वसम्मति से तीनों दलों के नेताओं के बात करने के बाद इस माध्यम के द्वारा हम माहिम की सीट पर लेकर हम प्रयास करेंगे कि वहां पर अमित ठाकरे का चुनाव आसान हो जाए। इस सब चीजों के बीच जो कैंडिडेट शिवसेना की ओर से घोषित किए गए हैं, एकनाथ शिंदे ने घोषित किए हैं, उनका यह कहना है कि कोई भी हालत में, किसी भी हालत में मैं मेरा नामांकन पीछे नहीं दूंगा और मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव है, फिर भी मेरी कैंडिडेटशिप है वो कैंसिल नहीं करूंगा। तो इस बीच में शिवसेना की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से सदा सरवणकर को यह समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से राज ठाकरे ने हमें लोकसभा में मदद की है, उनकी मदद हमें आगे भी हो सकती है, लेकिन सदा सरवणकर जो कैंडिडेट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सब में माहिम की सीट के ऊपर क्या होता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। स्वाति,